Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 14 practical geometry exercise 14.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 14.2. First question देखिए. Draw a line segment of length 7.3 centimeter using a ruler. एक ruler का इस्तेमाल करके हम लोगों को एक line segment बनाना है जिसका लेंथ होना चाहिए 7.3 सेंटीमीटर. ये है एक्सरसाइज 14.2. फर्स्ट क्वेश्चन, ये है मेरा एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसका लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट को हम लोग लिखते हैं ए बी और ऊपर में एक लाइन, यानी कि ए बी है मेरा एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर. इसको हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया? सबसे पहले हम लोगों ने एक रूलर लिया. रूलर का जो जीरो पॉइंट होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है और उसका नाम दिया है ए. फिर रूलर में हम लोगों ने आगे बढ़ा, आगे बढ़ के 7.3 जहाँ पे आता है रूलर में उसको हम लोगों ने एक पॉइंट बनाया और उसको नाम दिया हम लोगों ने बी. अब हम लोगों ने क्या किया, दो पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ये मेरा बन गया ए बी, एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ हो गया 7.3 सेंटीमीटर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन टू कहता है कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर. यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है यूजिंग रूलर एंड कॉम्पस. रूलर और कॉम्पस दोनों के ही इस्तेमाल से करने के लिए बोल रहा है. देखिए ये है मेरा क्वेश्चन टू. कहता है पुट पॉइंटर टिप ऑफ द कॉम्पस इन जीरो ऑफ ए रूलर. यानी कि जो होता है मेरा रूलर उसका जो जीरो पॉइंट है, यानी कि जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा रूलर का, वहां पे हम लोगों को अपना कॉम्पस का पिन पॉइंट होता है उसको वहां पे देना है. ये है मेरा जीरो पॉइंट. और क्या कहता है, पुट पेंसिल टिप ऑफ ए कॉम्पस इन 5.6 सेंटीमीटर ऑफ ए रूलर. यानी कि ये जीरो है तो यहाँ पे कहीं पे एक 5.6 मार्क होगा, तो 5.6 मार्क में हम लोगों को क्या रखना है, पेंसिल. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पेंसिल रख दिया. यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मेरा डिस्टेंस हुआ उसको हम लोगों ने एक कॉम्पस के थ्रू मेजर कर लिया. अब क्या किया हम लोगों ने, मार्क द पॉइंट्स ऑन ए पेपर विथ कॉम्पस एंड देन जॉइन देम टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट. यानी कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, जैसे ये वाला समझिए एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया L. तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुआ, ये है इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और ये लाइन ऐसे करके आगे बढ़ गया. जो कॉम्पस में हम लोगों ने मेजर किया था लाइन सेगमेंट 5.6 सेंटीमीटर, इसमें हम लोगों ने कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है ये पॉइंटर टिप हम लोगों ने लगाया है A में, और जो हमारा पेंसिल टिप है वो पेंसिल टिप से हम लोगों ने कट किया है ऐसे यहाँ पे. तो ये मेरा हो गया 5.6 सेंटीमीटर वाला मार्क जो कि हम लोगों को रूलर से मिला था. इसलिए ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसका मेरा लेंथ हो गया 5.6 सेंटीमीटर. अब देखिए नंबर थ्री. कहता है कंस्ट्रक्ट ए बी लाइन सेगमेंट है ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस. यानी कि इस लाइन सेगमेंट से कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ए बी 7.8 उसमें से 4.7 सेंटीमीटर लेंथ जो है हमको काटने के लिए बोल रहा है, कट ऑफ करने के लिए बोल रहा है और कहता है मेजर बी सी, यानी कि जो बच जाता है उसको मेजर कीजिए, यानी कि मेजर बी सी. देखिए कैसे होगा. ये है मेरा नंबर थ्री. सबसे पहले हम लोगों ने एक 7.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है रूलर के हेल्प से. तो ये क्या हुआ, ए बी, ए से लेके और बी तक पूरा मेरा कितना हो गया 7.8 सेंटीमीटर. अब हमको कहता है क्वेश्चन में कि ए सी है मेरा 4.7 सेंटीमीटर. तो ए सी मेरा कितना है 4.7, ये कितना था 7.8, इसका मतलब 4.7 छोटा है 7.8 से. इसका मतलब ये होता है कि A और B के बीच में पॉइंट C आएगा, क्योंकि AC तो छोटा है
बी से, इसलिए क्या हो गया ए सी हम लोगों ने एक मार्क कर लिया जिसका लेंथ हो गया 4.7 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने रूलर के हेल्प से ए में जीरो पॉइंट को बैठा के और जहां पे मेरा 4.7 पॉइंट्स आता है रूलर में वहां पे हम लोगों ने एक पॉइंट मार्क कर दिया और उसको नाम दे दिया सी। तो ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट ए सी जो कि है मेरा 4.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको पूछता है कि बी सी जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ कितना है। तो अगर मेरे पास ए बी है जो कि 7.8 है और ए सी है 4.7 है तो बी सी कितना होगा। ये पूरा में से ए बी में से अगर हम लोग ए सी को माइनस कर देंगे तो मेरा बी सी निकल जाएगा। इसलिए बी सी क्या हो गया, बी सी हो गया ए बी यानी कि टोटल, उसमें से ए सी को माइनस कर दिया तो ये मेरा निकल गया बी सी यानी कि 3.1 सेंटीमीटर है मेरा बी सी लाइन सेगमेंट। अब देखिए क्वेश्चन फोर कहता है गिवन ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। यहाँ पे हम लोगों को पी क्यू लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है यानी कि ड्रॉ करना है जैसे कि लेंथ ऑफ पी क्यू यानी कि पी क्यू लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स होगा किसका, दैट ऑफ ए बी यानी कि ए बी का जितना लेंथ है उसका ट्वाइस होगा यानी कि डबल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर। हमको कहता है नीड टू कंस्ट्रक्ट यानी कि हमको ड्रॉ करना है क्या, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है सच दैट जैसे कि इट इज ट्वाइस ऑफ ए बी यानी कि वो ए बी का यानी कि 3.9 सेंटीमीटर का ट्वाइस हो यानी कि टू टाइम्स हो। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है मेरा 3.9 सेंटीमीटर। अब हमको कहता है कि पी क्यू कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कि ए बी का ट्वाइस है तो 3.9 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.8। 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8 आ जाएगा। यही मेरा पी क्यू का लेंथ होना चाहिए क्योंकि ट्वाइस बोला है तो क्या हो गया मेरा 7.8 यानी कि ए से लेके बी तक है 3.9। फिर हम लोग यहाँ से बी से लेके और आगे 3.9 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा मेरा 3.9 प्लस 3.9 यानी कि 7.8। तो ये हो गया मेरा टोटल यानी कि पी और क्यू, ये बनता है मेरा पी क्यू एक लाइन सेगमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। यानी कि एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है जिसका लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर और सी डी जिसका लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी वेरीफाई बाई मेजरमेंट। यानी कि हमको एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है जो मेरा दोनों दिया हुआ लाइन सेगमेंट का डिफरेंस होगा यानी कि ए बी माइनस सी डी जितना आएगा वो मेरा एक्स वाई होना चाहिए। आइए देखिए ये है नंबर 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर सी डी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। हमको कहता है कि एक्स वाई निकालिए जो ए बी माइनस सी डी होगा, इसलिए एक्स वाई क्या हो गया ए बी माइनस सी डी हो गया। ए बी क्या था 7.3 वो हो गया माइनस सी डी था 3.4 तो 7.3 माइनस 3.4 यानी कि 3.9। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा लाइन सेगमेंट ए बी 7.3 सेंटीमीटर, ये है लाइन सेगमेंट सी डी जो है 3.4 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस क्या था मेरा 3.9 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा एक्स वाई जो कि है मेरा 3.9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स वाई का मेजरमेंट निकाल लिया। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।